हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ योगेश नागर। आज अपन बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड और कंपोजिशन पढ़ते हैं, है ना। इसमें देखते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो चीज़ें होती हैं। अब टोटली बोले तो क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इन एलिमेंट में कौन सा होता है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन, ये आप देख लेना। अब इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए, डीएनए। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन से होता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये 20% 12% ये लिखा हुआ है। मेरा कंसर्न ये बताना था बॉडी फ्लूड। अगर वो 70 kg का आदमी है तो उसमें 40% लीन बॉडी मास होता है और 20% लीन बॉडी मास कितना होता है, 40%, और टोटल बॉडी वेट कितना होता है, 60%। अब 70 kg के आदमी में ना 42 लीटर टोटल वाटर होता है। लीन बॉडी मास में क्या क्या होता है, बोन, मसल, स्किन, फाइबर, अदर, है ना। अब वाटर में क्या क्या होता है उसका कंसर्न देख लो। सबसे पहले अगर कोई फैटी आदमी है, ओबेस आदमी है, तो उसमें वाटर कम होता है। इन्फेंट होता है, इन्फेंट, नियोनेट, न्यूबॉर्न, उनमें वाटर ज़्यादा होता है, और ओल्डर और एज के अनुसार वाटर कम होता है। और जो मेल पर्सन है या मस्कुलाइन कोई बॉडी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, तो उसमें वाटर ज़्यादा होगा। ये मैंने सीक्वेंस प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल बनाया हुआ है, तो आप इसलिए देख सकते हैं इसको। अब इससे एक कंक्लूजन निकलता है जो एनक्लेक्स में भी लिखा हुआ है कि जो ओल्डर और इन्फेंट आदमी है, इन्फेंट पर्सन, इन्फेंट है, उनमें फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की संभावना ज़्यादा रहती है, है ना। तो यहाँ आप इसको याद रखना पूरा। अब नेक्स्ट अपन लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूड एंड कंपार्टमेंट पढ़ेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा वास्कुलर इंट्रा वास्कुलर क्या चीज़ें होती है, फिर इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर के बहुत टाइप पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल, लिम्फ वगैरह, ये चीज़ें पढ़ेंगे। थर्ड स्पेसिंग क्या होती है, एडिमा क्या होता है, एनएसआर का क्या होता है, और पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा, उसको भी देखते हैं। बॉडी फ्लूइड में देखेंगे कि कौन से कंपार्टमेंट में कितना कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनकी क्या ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी मिलीमोल मिलीक्वलेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी देखते हैं। बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, हाइड्रोस्टेटिक, ये चीज़ें क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का, इन चीज़ों का हाइपर हाइपो दोनों कंडीशन देखेंगे। रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक का एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, इस चीज़ों को भी देखते हैं। और ये चीज़ें हो गया इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ये बाकी का नेक्स्ट में देखते हैं।